अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम आपके लाए हैं BMW S1000 का रिव्यू, जो कि बहुत कमाल की बाइक है। हमारे साथ जो है हमजा भाई मौजूद हैं, जो कि इस बाइक के ऑनर हैं। बाइक की तमाम तर तफसीलात जो है हमजा भाई से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा हमजा भाई, सबसे पहले आप ये बताएं, इस बाइक का मॉडल वेरियंट क्या है? इस बाइक का ये BMW S1000 RR है। ये M पैकेज है। एम पैकेज यानी सब टॉप ऑफ द लाइन पैकेज होता है, उसमें सारे ऑप्शन होते हैं रेसिंग वाले। ये 2021 मॉडल है, 0 मीटर इम्पोर्ट मैंने 2021 में ही कराई थी, सितंबर में आई थी। रीमैन्युफैक्चर जून की है, 2021 की। ये एम पैकेज में ये ब्लू व्हाइट रेड कलर आता है, बाकी इसके अलावा उसके जो लो वेरियंट है उसमें ग्रे कलर आता है, लाइट ग्रे और ब्लैक कलर आता है। ये है 1000 cc है और 205 हॉर्स पावर है। तो इसमें टॉप स्पीड क्या है? इसकी टॉप स्पीड जो जाती है 325 किलोमीटर पर। आपने कभी ट्राई किए लेकर गए? नहीं, इसकी मैं टॉप जो मारे 55 to 60 तक गया। बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छा इसका थ्रॉटल रिस्पांस, बहुत अच्छा। यानी आप ये चौथे गियर तक तो ये 250 में चली जाती है, फिर पांचवे छठे में तो ये और ऊपर, लेकिन यहाँ पे रोड ही नहीं है। बिल्कुल 250 से ऊपर फिर सामने कोई गाड़ी वाला आ जाता है, बाइक वाला आ जाता है। क्या देती है बाइक? स्पोर्ट्स बाइक में मायने नहीं रखता, लेकिन ये फिर भी एवरेज देती पर लीटर 13 से 14 किलोमीटर का एवरेज देती। रीसेल कैसी है? हैवी बाइक है, महंगी भी काफी है, तो उसके मुकाबले क्या रीसेल? रीसेल तो हर बाइक की हो जाती है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक आपको भी पता है कि अब शौक बढ़ रहा है पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, तो काफी ज्यादा रोडों पे देखने लगी है। लेकिन यह है कि अभी भी इतनी नहीं है, तो रीसेल जाहिर सी जब बाइकें कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो फिर ठीक है बाइकें रीसेल अच्छी होगी। अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है आम बाइक के मुकाबले में? BMW ब्रेकिंग सिस्टम है ना, दुनिया में टॉप वन पे है। अच्छा, स्पोर्ट्स बाइक में, क्योंकि अपने ब्रेक्स लगे हैं इसमें, इन्होंने ब्रेम्बो के साथ पार्टनरशिप में मिलकर बनाए हैं। सारी हैवी बाइक्स में से जो मैंने जितनी भी चलाई है ना, सबसे अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम इसका है। पहले आपका सुजुकी हायाबुसा थी, तो उसके मुकाबले में बाइक कैसी है? उससे ज्यादा अच्छी है? हायाबुसा जो है वो एक अलग कैटेगरी की बाइक, वो स्पोर्ट्स टूरिंग है, ये प्योर स्पोर्ट्स है, ठीक है। वो तकरीबन 260-265 kg की थी। अच्छा, और वो 1300 cc थी, लेकिन पावर इससे कम थी उसकी। अच्छा, उसकी हॉर्स पावर 175-176 हॉर्स पावर होती है। इसकी ये है तकरीबन 198-200 kg की बाइक है। अच्छा, और 205 हॉर्स पावर है इसकी, यानी हॉर्स पावर इसकी ज्यादा है, और ये लाइट भी है, काफी लाइट है, इसको मैन्यूवर वगैरह करना ज्यादा आसान है। बाइक को तो संभालने में ऐसा बहुत मुश्किल होता होगा टर्निंग में? नहीं नहीं नहीं, वैसे भी ये मैंने कहा ना, ये 200 kg की बाइक है, इतनी ज्यादा हैवी नहीं है। और जब आप चला रहे हो तो आप वो तो कोई भी बाइक चला, जैसे हायाबुसा भी चला रहे हो, ये भी चला रहे हो, जब एक दफा वो रिदम में होती है तो फिर वो आप संभालना इतना मुश्किल नहीं होता। तो आपने कनाडा से इंपोर्ट करवाई है? जी जी, कनाडा से। तो ज्यादातर बाइक कनाडा से इंपोर्ट होती है, इसकी क्या वजह? कनाडा से वो सस्ती पड़ती है, इस वजह से ज्यादा इंपोर्ट होती है। इस बाइक की प्राइस क्या है? इस बाइक की प्राइस मुझे तकरीबन यहाँ पे पहुंच के सब कर कर आके $40,000 की पड़ गई। बहुत शुक्रिया हमजा भाई का आपको टाइम देने का। आज की वीडियो इधर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।